आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 कब संपन्न हुई है? तो भारत और वियतनाम की संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 25 अगस्त 2020 को संपन्न हुई है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक की सह अध्यक्षता भारत और वियतनाम ने मिलकर के की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री व विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन मिन ने की है। आपको याद होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हुए थे और उन्हीं को विदेश मामलों के विभाग भी मिले हुए थे, तो उसी प्रकार से वियतनाम के उप प्रधानमंत्री को भी विदेशी मामलों के विभाग मिले हुए हैं, तो इन दोनों ने मिलकर के जो है इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला देश होगा जो अपने यहाँ वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता रखेगा, यानी कि जो भी इस देश की कंपनियां होंगी वो जलवायु परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट अवश्य देंगी। तो ये देश होगा न्यूजीलैंड, और यूरोप के और देश भी हैं, फ्रांस हुए, कनाडा हुए, ये सब भी इस प्रकार के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने ऑफिशियल तौर पर सभी वित्तीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देने को अनिवार्य बना दिया है। और यहाँ पर आप मैप पे देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है और पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो प्रशांत महासागर का ये दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजी है। और एक और बात यहाँ पर ये है कि यहाँ की माओरी ट्राइब्स एक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा माओरी यहाँ पर एक ट्राइब्स पाई जाती है। इसके कारण न्यूजीलैंड चर्चा में था, और एक और पॉइंट था जिसके लिए चर्चा में था वो ये था कि न्यूजीलैंड के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर एक जो है आइलैंड, एक बहुत बड़े जो है महाद्वीप कॉन्टिनेंटल की खोज हुई है जिसको जीलैंडिया जो है महाद्वीप बताया जा रहा है। तो इतनी बातें भी यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगली न्यूज भारत आसियान संबंधों को लेकर के है। आइए देखते हैं कि हाल ही में 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आर्थिक परामर्श बैठक है जो कि मंत्रियों के बीच में हुई है, भारत आसियान के मंत्रियों के बीच में हुई है। मंत्री कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये हुई है 29 अगस्त 2020 को, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री त्रान तुआन अन ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक थी। और यहाँ पर जो है आसियान के सभी जो 10 देश हैं उन देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। 10 देश कौन कौन से हैं ये भी इसी बहाने देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली IAS में भी सवाल पूछा गया था कि G20 के कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि आसियान के कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये देश इसमें शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा पर केंद्रित रही, यानी कि इसकी जो थीम थी इस बैठक की वो ये कह सकते हैं कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता इस बैठक की थीम थी। और नेक्स्ट है कि 27 से 28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्ल्ड उर्दू वेबिनार जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसका उद्देश्य समझ ही सकते हैं कि उर्दू के प्रसार प्रसार को बढ़ावा, उसके संबंध में जो राइटर्स की भूमिका है वो थी। अब इसके थीम से आप इसके महत्वपूर्ण स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए इसका थीम था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उर्दू राइटर्स इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, जो इसकी थीम थी इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया, और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान है, तो ये पूछा जा सकता है। 16 सितंबर 2020 को इब्सा, यानी कि इब्सा को कहते क्या है? देखिए IFR होता है इंडिया, BFR होता है ब्राज़ील, SFR होता है साउथ अफ्रीका, और जो है
यस ए का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, माफ करिएगा। तो इब्सा में कौन कौन शामिल है, इंडिया शामिल है, ब्राजील शामिल है और साउथ अफ्रीका शामिल है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो यहाँ पर सवाल है कि 16 सितंबर 2020 को इब्सा के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 किस देश के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में शामिल हुई थी। तो यहाँ पर जो है भारत के विदेश मंत्री जो कि डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इनकी अध्यक्षता में ये शामिल हुई थी, संपन्न हुई थी। 10 सितंबर 2020 को कौन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो भारतीय विज्ञान मानक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं सुभाष कामत, और इस पद पर इन्होंने रोहित गुप्ता का स्थान लिया है। अगर पूछा जाए कि इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो रोहित गुप्ता का स्थान लिया है। और थोड़ा सा हम भारतीय विज्ञापन नियामक परिषद के बारे में जान लेते हैं, एक बार दोबारा संस्था का नाम देख लेते हैं। संस्था का नाम है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है एक गैर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। 1 सितंबर 2020 को किसने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे हेमंत खत्री, और इस पद पर उन्होंने LV सारत का स्थान लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये है विशाखापत्तनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो कि पोत निर्माण, पोत मरम्मत, पनडुब्बी निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत के साथ ही परिष्कृत और डिजाइन के निर्माण की जरूरतों को पूरा करने वाला देश का प्रमुख पोत निर्माण संगठन है। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पोत निर्माण होता है, पनडुब्बी का निर्माण होता है, वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और नेक्स्ट है 19 अगस्त 2020 को इब्राहिम बाबरकर कीता, नाम ध्यान रखिएगा, इब्राहिम बाबरकर कीता ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। तो अफ्रीका का देश है माली, जो कि पश्चिमी अफ्रीका का देश है, इसका उत्तर हो जाएगा माली। बहुत ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका के जो भी न्यूज़ होते हैं वो पूछे जाते हैं। अभी हम इसको मैप पे भी देखते हैं, यहाँ पर आइए दोबारा देख लेते हैं। 19 अगस्त 2020 को पश्चिमी अफ्रीकी देश जिसका नाम है माली, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबरकर कीता ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। सैन्य विद्रोहियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने संसद को भंग कर दिया। 2013 में वो माली के राष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पे है आपका माली, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बामाको यहाँ की जो है वो राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि माली ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ माली, माली को जो है आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ माली भी कहते हैं। एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक का मतलब क्या है, ये स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पर देख सकते होंगे मैप में यहाँ पे कि किस प्रकार से माली जो है वो स्थलरुद्ध देश है।